Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मनुष्य को ये जानना चाहिए कि वो आत्मा है जिसे संसार की कोई वस्तु मार नहीं सकती, परंतु मनुष्य को बचपन से यही सिखाया जाता है कि वो कमजोर और पापी है। इसे तो ये सिखाना चाहिए कि वो अमृत तत्व का सपूत है, यही सत्य है।
आशीष बैग तो ले आई है, लेकिन शायद रतन पुलिस से नहीं बचेगा। क्यों? पुलिस ने उसे बुरी तरह घेर रखा है। सोना, तुम रतन को नहीं जानती हो। पुलिस को चकमा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल। बॉस, ये हमें छोड़कर भाग रहा था। भाग रहा था? कुछ सुना तुमने रतन? भाग रहा था क्यों भाई? हमें तो आज तक कोई छोड़कर नहीं गया, जो भी आया यहीं का हो गया। अगर कोई तकलीफ है तो हमें बताओ। सर, बात यह है कि किसी नेक लड़की से ब्याह रचाकर घर बसाना चाहते हो? बड़े खुशकिस्मत आदमी हो। जाओ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनो, मगर बॉस सारे राज तो उसके पास है। जाने टोनी, क्या बात है रतन? मेरी माँ का टेलीग्राम आया, बहुत बीमार। जाना चाहती हो? हाँ। कब? आज। ठीक है, मैं करेंगे।
बोलता हूँ, बताओ कौन है तुम? मैं राजकुमारी कमलावती हूँ। तुम अभी तक वैसे की वैसी पागल हो। मुनोरे लोगों की पागल कहा तो? अच्छा नहीं कहता। अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं रतन हूँ। रतन? रतन? वो रतन तो बहुत छोटा था। अब बड़ा हो गया हूँ। अच्छा मैं चलूँ? कहाँ? घर। माँ बीमार है ना? हाँ बहुत बीमार है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे अरे कहाँ जा रही मुझे? चलो ना जल्दी चलो। छोड़ो ना। अरे अरे कहाँ जा रही मुझे तू? ओ रही तुम्हारी माँ। रतन की माँ से मिलाने गई थी। क्या शमशान से आ रही है? चल पहले नहा जाके। बहुत ठंडी है। मैं कहती हूँ नहा। मेरी जगह तुम नहा लो। महाराज कमोनो ने तो रतन को पहाड़ी पर से धकेल दिया। अरे भगवान का शुक्र है कि बाल बाल बच गया। क्या कहूँ बेटा, कमोनो समझे नादान है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता। अरे बिल्कुल ठीक है। जरा गौर से देखिए महाराज, रतन बिल्कुल अपने बाप ठाकुर जवाहर सिंह पर गया है। आदिवास शायद तुम नहीं जानते रतन, तुम्हारा बाप दीवान साहब का यार था, बेचारा बेवक दुनिया से चला गया और अब तुम्हारी माँ बेचारी। सुनो रतन, तुम अपनी माँ का क्रियाकर्म करके ही जाना। जी मैं सोच रहा था कि मैं जानता हूँ शहर वाले इन बातों को नहीं मानते, लेकिन तुम्हारी माँ का पूरा विश्वास था इन बातों में। तुम्हारी जरा सी बात से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। दीवान साहब रतन का सामान मंगवा लीजिए और ऊपर वाले कमरे में इनके ठहरने का इंतजाम कर दीजिए। नहीं महाराज मैं अपने घर में ही। नहीं बेटे, अकेले घर में तुम कैसे रहोगे? ले जाइए दीवान साहब। और रतन अब क्या हुआ? वो जिंदा है। कौन? रतन, मैं उसे मार डालूंगी। मुझे पागल कर दे।
बंदरों की तरह पेड़ों पर छलांग मारती रहती है और तुझे कपड़े चाहिए गोटे की नहीं तुम नहीं दोगे बाबा तू रो मत मैं अभी लेती हूँ तुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाची मैं सच में गंदी लगती हूँ कौन कहता है तू गंदी है वो रतन कहता है नहीं नहीं तू तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है Thank you.
जा रहे हो रतन जी? जी हाँ। फिर कब आओगे? अब तो शायद बेटा तुम्हारा बचपन इन्हीं पहाड़ों में बीता है, शहर में रहकर तुम्हें कभी इनकी याद नहीं आती। याद ही तो है, अगर तुम यहीं क्यों नहीं रह जाते? जी रतन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कमों का हाथ अपने हाथ में ले लो। कमों बहुत सीधी, बहुत भोली लड़की, मेरे बाद इतनी बड़ी जागीर की अकेली वारिस होगी और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रतन, तुम अगर मेरी बात मान लो तो मैं चैन से मर सकूंगा। राजा साहब, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। काम से गैर हाजिर हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मैं जल्दी वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले वादा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर आपको अपना फैसला लिख भेजूंगा। मैं तुम्हारे फैसले का नहीं, तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे कमो, तुम इसे सड़क के बीच में खड़ी क्या कर रही हो? तुम मुझसे मिले बिना कैसे जा रहे थे? हाँ
गलती हो गई। गलती हो गई? तुमको मालूम है मैं सुबह 4 बजे से जंगलों में घूम घूम कर तुम्हारे लिए सौगात जमा कर रही थी। ये देखो कितने अमरूद इकट्ठे किए हैं, तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है ना, लो साथ ले जाओ। अब मैं चलूं? पूरे नहीं किए जा सकते।
बहुत गर्मी है। मेरे पीठ पर पाउडर लगा दो। लो जाना चाहते हो? इन्हें लम्हों का नाम जिंदगी है रतन। ये जलते हुए लम्हे कहीं बद्दुआ दे के ना गुजर जाए। मैं मास्टर को धोखा नहीं दे सकता, वो तुमसे बेहद प्यार करता है। उसका विश्वास खोकर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। रतन, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इस ग्रुप में क्यों काम करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए देर हो रही है, मास्टर इंतजार कर रहा होगा।
क्या हो गया रतन, कैसे हो गया? पुलिस को कैसे पता चल गया? जिसने भी ये गद्दारी की मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन मां से परेशान होने की क्या जरूरत है, मान ली फिर से सबसे कोई मुश्किल बात नहीं। ये ना भूलो रतन के एक घंटे में हमने 50 लाख रुपया कमा दिया, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं, सिर्फ कर्ज ही कर्ज रह गया। पुलिस ने हमें बुरी तरह घेर लिया है, हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर हम तीनों पुलिस की हिरासत में हों। पीछे से निकल जाना। नहीं मास्टर, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, तुम दोनों पीछे से, मैं आगे जाऊं। रतन, तुम्हारा मास्टर इन्हीं सायरन की आवाजों में पैदा हुआ है और ऐसे ही घेरों में पलकर जवान हुआ है, तुम मेरी फिक्र मत करो, ये खेल मैं कई दफा खेल चुका हूं। मास्टर, रतन, जो कुछ मैं हुक्म दे रहा हूँ उसे पूरा कर। सोना, तुम कल का अखबार देखना, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मुझे जेल में आकर मिलना, और अगर मैं बच निकला तो हमारी मुलाकात गोडाउन में होगी। ओके, ऑल द बेस्ट। हम तबाह हो गए थे। मैंने न सिर्फ अपना ही पैसा बल्कि मार्केट से भी कर्ज लेकर इस दाऊ पर लगा दिया। अब समझ में नहीं आता कि यह कर्ज कैसे अदा किया जाएगा। और रतन, तुमने कहा था ना कि वो गांव का जमींदार अपनी इकलौती लड़की की शादी तुमसे करना चाहता है। हाँ, तो फिर जाओ, फौरन शादी कर लो। लेकिन वो लड़की तो पागल है। तुम्हें क्या, सारी जिंदगी थोड़ी उसके साथ रहना है। अब जागीरदार, जागीरदार तो बीमार रहता है, अगर मर जाए तो ठीक, वरना तुम उसे खत्म कर देना। लेकिन एक बात का ख्याल रख, ये काम 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, वरना हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। रतन, अच्छी तरह समझ गई हो ना सब कुछ? रतन से बड़े प्यार से शर्मा के बातें करना, झगड़ा मत करना। चाची, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरे साथ सोगी। नहीं बेटी, अब मैं यहाँ नहीं सो सकती, अब रतन तुम्हारे साथ सोएगा। क्यों? वो तुम्हारा पति है, तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है। नहीं नहीं चाची, मुझे रतन से डर लगता है, जब वो छोटा था ना तो मुझे बहुत मारता था। हाँ, लेकिन अब नहीं मारेगा, अब वो बड़ा हो गया है। नहीं, तो तुमसे बहुत प्यार करेगा बेटी, तुम भी उसे उतना ही प्यार करना जितना वो तुमसे प्यार करता है। चलो। मैं चलती हूँ, रतन आता ही होगा। क्या कर रही हो तुम? शर्मा रही हूँ। क्या? हाँ, चाची ने कहा है आज मुझे तुमसे शर्माना चाहिए। क्यों?
हमारी शादी क्यों हो गई? हंसते क्यों हो? हाँ? यूँ ही। अच्छा तम्मू, चाची और क्या क्या कह रही थी? बहुत सूट पटंग बातें कर रही थी। कह रही थी न जाने क्या क्या कह रही थी, पागल गई थी। मुझे तो ये शादी मुसीबत लग रही है। हाँ मुझे भी झंझट लग रही है। ए रतन, एक काम करे, जहाँ पर हम लोगों ने फेरे लिए थे ना, वहाँ जाके उल्टे फेरे लिए लेते, शादी टूट जाएगी। हाँ तू तो बहुत सियानी है। वो तो मैं हूँ। अच्छा कम्मो, हाँ? अगर ये शादी टूट भी जाए तो क्या होगा? तो मुझे तुम्हारे साथ इस कमरे में सोना नहीं पड़ेगा। चाची कहती है मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं सो तो मुझे पाप लगेगा। अच्छा? हाँ पर मैं चाची के बिना मुझे नींद ही नहीं आती। बड़ी मुश्किल बात है। हाँ सोचना पड़ेगा। एक ही तरीका समझ में आता है, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि उधर जाके सो जाओ तो फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इधर आओ जाओ। मैं जाऊं? हाँ तुम कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चाची ने कहा था रतन को दूध पिला देना। मुझे दूध की जरूरत नहीं है, तुम पियो। मैं नहीं। अच्छा तो फिर यहीं सोने के लिए कहूंगा, तुम जा नहीं सकोगे, और अगर तुम जाओगी तो पाप लगेगा। नहीं पियो। नहीं जल्दी पियो।
क्या मतलब चाहती? जागीरदार साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। चलो बेटा जल्दी चलो। रतन बेटा, अपनी जिंदगी तुम हिसाब कर जा रहा हूं, जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कमियों को तुम हमेशा रखे रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों। कौन? रतन? यस। इट्स अ वंडरफुल न्यूज, वंडरफुल न्यूज। ओके, विश यू ऑल द लक माय बॉय। गुड न्यूज? यस डार्लिंग, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। रास्ते का कांटा खुद साफ हो गया, जमींदार साहब चल बसे। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब उस पागल लड़की को बेवकूफ बनाना रतन के लिए बहुत आसान है। बेचारे की उंगली को कम्मू ने कितने जोर से काट लिया। काश कम्मू ठीक हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है रतन का प्यार कम्मू को एक दिन जरूर ठीक कर देगा। चाचा तुम कम्मू के पास चले जाओ। रतन, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। ये लो चाचा जी। हाँ बेटा, इस हवेली में जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। यहाँ की हर चीज के तुम ही मालिक हो, और अब जागीर की देखभाल भी तुम्हें ही करना होगी। ये लो। Thank you.
अग्रिमित बुलवाया है? हाँ दीवान जी, देखिए दीवान जी, जमींदारी का तो काम चलता ही रहेगा। मैं सोच रहा था अगर इसके साथ साथ हम एक फैक्ट्री लगा लें तो काफी फायदा हो सकता है, और फैक्ट्री लगाने के लिए हमें 20-25 लाख रुपए की जरूरत होगी। क्या इतने रुपए का इंतजाम हो सकता है? हवेली में तो इतने रुपए नहीं है। क्या बेटा, राजा साहब जानते थे कि मौत उन्हें ज्यादा जीने की मोहलत नहीं थी। उन्हें हर वक्त एक ही चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद नासमझ कमों का क्या होगा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी दौलत से जमीन खरीद ली। इस वक्त जागीर में जमीन की कीमत करीबन 1 करोड़ रुपया है। इसका मतलब है हवेली में कुछ भी कैश नहीं। नकद और जेवरात मिलाकर करीबन 1 लाख रुपया होगा। क्या सिर्फ 50,000 रुपए? इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ 50,000 रुपए? हाँ, जागीर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होगी, लेकिन नगद और जेवरात मिलाकर 1 लाख से ज्यादा नहीं, बाकी सब दौलत जमीन की सूरत में है। वो क्यों? जागीरदार होशियार आदमी था, जानता था कि उसकी लड़की पागल है और उसके पागलपन का फायदा उठाकर कोई भी उसकी दौलत को हथिया सकता है, इसलिए उसने ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद कर जायदाद बना दी। लड़की के मरने के बाद जायदाद का वारिस कौन होगा? फिर एक पागल लड़की को मारना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम होगा? रतन, हमने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बड़ी बड़ी मुश्किलों को बहुत आसानी से हल किया है। एक लड़की को खत्म कर देना तुम्हारे लिए बहुत मामूली बात है। तो ठीक है मास्टर, लेकिन कैसे? ऐसे हालात पैदा कर दो कि लड़की किसी हादसे में मर जाए और किसी को तुम पर शुबा तक ना हो। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। मास्टर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं? ये तुम कह रहे हो? तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि इस वक्त हमें पैसे की कितनी जरूरत है? हम दोबारा जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें उस लड़की को खत्म करना होगा, और मैं तुम्हें सिर्फ 30 दिन की मोहलत देता हूं। अगर इस दौरान में तुमने उसे खत्म नहीं किया तो मजबूरन मुझे वहां आना होगा। ओके मास्टर। रहा उस पागल लड़की की मौत का परवान। मास्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द उस लड़की को खत्म कर दो और हमें इतला दो।
Thank you.
शर्माती है चाची। अरे तू एक काम कर, दूध का गिलास लेकर चली जा, अगर वो तुझे रोके तो रुक जाना, समझी? चाची चाची। कौन हो तुम? हमें मास्टर ने भेजा है, तुम्हें शहर बुलाया है। ठीक है, तुम लोग जाओ। महाराज और कुछ दूं? बस बच्ची बस, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अपने पति देव को हमारा आशीर्वाद दो और कहो कि समय हो गया। हमारा जाने का समय। अच्छा तुम चाची के पास खाना बनाना सीख रही थी, और जानते हो आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाकर साधुओं को खिलाया। तुमने खाना खिलाया उनको? हाँ। लेकिन उनके कमरे में जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? रतन, साधुओं की सेवा करना तो बड़ी पुण्य की बात है। हाँ, कमो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। शहर? रतन, शहर बहुत बड़ा होता है ना, मैंने कभी शहर नहीं देखा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों? मजबूरी है। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम अकेले नहीं जा सकते। नहीं कम्मा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे छोड़
छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। पहले इस खिलौने को अपनी जेब में रखो, हमने जिंदगी भर यही काम किया है, समझे? तुम जो जानते हो सेठ कि अपना धंधा जुबान पर चलता है, अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी रकम हम तक नहीं पहुंची तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हम कैसे वसूल करेंगे। एक हफ्ता नहीं, हमें 15 दिन चाहिए। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर नहीं पहुंचे तो कह जो दिया कि 15 दिन के अंदर तुम्हारी रकम मिल जाएगी। ऐसा ना हो सेठ कि हमें अपने हाथ खून में रंगने पड़े। लेकिन याद रखो, आज तक हमारा पैसा कभी डूबा नहीं, अब भी नहीं डूबेगा। जनाब, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? रतन को गए हुए इतने दिन हो गए, न कोई खत न तार, पता नहीं वो वहां क्या कर रहा है। सुन, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ वहां और मुझे हर बात की इत्तला देना। अगर रतन ने उस लड़की को खत्म नहीं किया है तो ये काम तुम कर लेना। इट इज द प्लेजर। जागीरदार साहब कहाँ हैं? ये नकली है, स्टूपिड। जागीरदार साहब कहाँ हैं? तुम जागीरदार से नहीं मिल सकती। क्यों? जब तक मैं ना चाहूं उन्हें कोई नहीं मिल सकता। तुम कौन होती हो? मैं जागीरदार नहीं हूं। ओ, तो आप ही वो? हाय रतन, तुम यहां? रतन, ये मेम साहब कौन है? ये एक मेरे दोस्त की बीवी है। तो फिर यहाँ? मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त से कुछ वादा किया था। मैं इन्हें याद दिलाने आई हूँ, कहीं ये बह कर न पल भूल न जाए। ब्यूटीफुल, लवली, कितनी अच्छी जगह है। मैं थोड़े दिन यहाँ रह सकती हूँ जागीरदारनी जी? जागीरदारनी नहीं, मेरा नाम कम्मो है। ओह, मेरा मतलब है कम्मो जी, यहाँ चारों तरफ इतने खूबसूरत नजारे हैं कि किसी का वापस जाने को जी नहीं चाहता। क्यों रतन? क्या मुझे थोड़े दिन यहाँ रहकर इन नजारों की तस्वीरें खींच सकती हूँ? तस्वीरें? मैम जी, आप मेरी तस्वीरें खींचेंगी? आज तक किसी ने मेरी तस्वीरें नहीं खींची। आपकी तस्वीर तो सबसे पहले मैं खींचूंगी। अगर आप ना हो तो जागीरदार साहब आपकी तस्वीर से दिन बहला लेंगे। रतन, मैम जी कितनी अच्छी है ना। इनके रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। रतन, मैम जी। ओहो, चलो ना तुम। मैम जी को ले चलो ना साहब। लेकिन मुझसे पूछे बिना तुम यहाँ आई कैसे? किसने भेजा तुम्हें? मास्टर ने? मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूँ डार्लिंग कि शहर में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए यहाँ चले आई हूँ।
सोचा तुम भी यही हो, शायद काम पूरा करने में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ओह, तुम्हारे यहाँ रहने से किसी को शक हो सकता है, तुम कल सुबह यहाँ से वापस चली जाओ। नाराज क्यों होते हो रतन, अभी तो सुबह होने में कई घंटे बाकी है। आओ, आज की रात तो बगैर झगड़ा किए मेरे साथ गुजार लो। सोना, कितनी रातें तुमने अपनी दीदी के साथ गुजारी है, क्या मेरे साथ कुछ घंटे नहीं गुजार सकते? पको मत। रतन, मैम जी कमरे में है। क्यों? मैं उनको पूजा के लिए बुलाना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं। क्या से बातें करते हो, वो हमारे मेहमान है। हाँ, कमो। क्या आप तैयार नहीं हुई? क्यों? चलिए चलिए, ये मर्दों का कपड़ा उतार दीजिए, साड़ी पहन के चलिए। लेकिन क्यों? आपको मालूम नहीं क्या? अरे आज करवा चौथ है। तो क्या होता है? हाँ, आपकी शादी हो चुकी है और आपको करवा चौथ नहीं मालूम? आज के दिन हर ब्याह का औरत अपने पति के लिए व्रत रखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी उम्र बहुत लंबी हो और उसे किसी किस्म का दुख ना हो। और हाँ, आज के दिन तो हर औरत अपने पति की पूजा करती है। क्यों, आपने कभी अपने पति की पूजा नहीं की? चलिए मैं सिखा देती हूँ। लेकिन कमो जी, आप चलिए ना। अरे जल्दी चलिए। कम जी, तेरे मुख पे उतारे मैं चमके,
खूबसूरत जगह है ना मिम साहब? हाँ, बहुत गहरी वादी है। आइए मैं आपकी फोटो निकालूं। मेरी फोटो? मेरी फोटो आज तक किसी ने नहीं खींची। अच्छा, तो आज तक मेरी बहुत अच्छी फोटो खींची। चलो चलो, that's better. अरे उंगली तो हटाओ, अभी हटो। चलो अभी वहां चलेंगे। खींचेगी ना? बहुत अच्छी आई। चलो सीधी खड़ी हो जा। हाँ, एक कदम पीछे जाओ, थोड़ा और। हाँ, एक कदम पीछे, थोड़ा और, थोड़ा और। क्या कर रही हो? मैं मैम जी को घाटी दिखाने लाई थी, उन्होंने मेरी बहुत सी फोटो खींची। चलो हम दोनों फोटो खींचते। ओ मैम जी, हम दोनों का फोटो खींच दो। नहीं, मुझे फोटो वोटो कोई नहीं खिंचाना है। मैं सनासर जा रहा हूँ, कटाई का काम देखना है और शाम को देर से आऊंगा। सुनो ना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम वहाँ क्या करोगी? क्यों, मैं वहाँ कभी नहीं गई, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। हाँ, मगर तुम जाओगी कैसे? घोड़ा तो एक है। रतन साहब, वहाँ तक कोई सड़क जाती है क्या? हाँ, क्यों? फिर मैं भी चलती हूँ, आप घोड़े पे चलिए, हम दोनों जीप में आते हैं। नहीं नहीं, वो रास्ता जीप के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे खतरनाक रास्तों से डर नहीं लगता, और शायद आप जानते नहीं, मैं चलती हुई जीप से भी कूद सकती हूँ। आइए लो, चलो। इसको मार न दे। बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी बहुत अच्छी चला रही है। नहीं चाह कि तुम्हारे और मास्टर के बीच में कोई टकराव हो, मगर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं मास्टर को सब कुछ बता दूं। फिर जानते हो क्या होगा, मास्टर खुद यहां आ जाएगा।
बस यहाँ नहीं आएगा, उसको मुझ पर भरोसा है। और तुम उसी भरोसे को तोड़ देना चाहते हो? तुमने कमो को क्यों बचा लिया? क्योंकि इस तरह कमो को मारने से किसी को शक हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, जीप मैं चला रही थी, किसी को शक नहीं हो सकता था। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको मेरे काम में 10 दिन की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर ने मुझे 30 दिन का वक्त दिया है। 30 दिन? और 30 दिन तुम अपने आप को धोखा दोगे। सोना, रतन, तुम उस मास्टर को धोखा दे रहे हो जिसने तुम्हें कई बार नई जिंदगी दी है। तुम कमजोर बन गए हो रतन, कमजोर बन गए हो। रतन, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। रतन, ऐसे लगता है मैं पहले भी कभी यहाँ आई हूँ। तुम्हें याद नहीं, बचपन में एक दफा हम लोग यहाँ आए थे। सच? हाँ, हम लोग घर से भाग कर आया करते थे। और ये जो दरिया है ना, तुम धक्का मार कर मुझे इसमें गिराना चाहती थी। मैं तुम्हें धक्का मार के गिराना चाहती थी? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कितनी बुरी हूँ मैं। सचमुच अगर मैं तुम्हें गिरा देती तो आज तुम्हें कहाँ से पाती? क्या हुआ रतन? कुछ नहीं। रतन, छोड़ दो मुझे, तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये भी भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या करना है तुम्हें? एक बहुत जरूरी काम जो मैं आज तक नहीं कर सका क्योंकि मैं पस्त हो गया हूँ। तुम मेरे वजह से सब कुछ भूल जाते हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैं भुला देती हूँ? हाँ हाँ, तुम भुला देती हो। तो फिर करो अपना काम। कमो, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मैं तेरे पीछे हूँ, कोई मेरे पीछे है, दुश्मन
मन इतने हैं। हाँ मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। तेरी भोली अदा पे बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। मन मेरा पापी है, बचा मुझे सनम। हंसो नहीं जो मैं कहूँ, सच है तेरी कसम। अरे क्या जाने तू, नहीं पहचाने तू मुझे, गम कितने हैं। हाँ मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां है, मेरे कुछ सपने हैं। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। हाँ मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। खड़ा देखकर घबरा गया था, अगर तुम गिर जाती तो। तो क्या होता, अगर मैं गिर जाती तो तुम मेरे पीछे कूद के मुझे बचा लेते। मैं जानती हूँ तुम उसे कितना प्यार करते हो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस दरिया में कूद सकती हूँ। क्या तुम मेरे कहने पर वाकई यहां से कूद पड़ोगी? तुम्हें एतबार नहीं। जिस काम के लिए गई थी वो रतन ने चौपट कर दिया। चौपट कर दिया, मगर क्यों? वो उस पागल लड़की के चक्कर में खुद पागल हो रहा है। नॉनसेंस, रतन किसी लड़की के चक्कर में फंसने वाला नहीं। वो लड़की उसकी बीवी है। बीवी? हमारी दुनिया में बीवी बच्चे नहीं होते। तुम रतन को नहीं समझती हो। मास्टर, रतन अब हमारे काम का नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। मगर मुझसे कहां भूल हुई, जो ये नेकी और भलाई उसमें बाकी रह गई, मेरी बरसों की मेहनत पर उसने पानी फेर दिया। एक छोटा सा बीज कहीं उसके मन में जिंदा बस गया है, जो फल फूल कर जंगल बन गया है। मैं उस जंगल में आग लगा दूंगा। सचमुच पागल हूं, मैं जानती थी कि तुम छलांग लगा देंगे, फिर भी कूद पड़ी। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, तुम जानती हो मैं कौन हूं।
मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हें नहीं जानती। आप नहीं जानती। मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही कि तुम्हारी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो होंठ हैं। मजाक मत करो। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हारे दिल ने चाहा इसलिए कि नहीं, क्योंकि मास्टर ने कहा था। मास्टर? मास्टर कौन? तुम उसे नहीं जानते। वो चाहता था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें मार डालूं, ताकि सारी जायदाद का मालिक वो बन जाए। लेकिन तुमने तो बहुत बार मेरी जान बचाई, मार क्यों नहीं डाला? नहीं मार सका। अब मार सकते हो। काश मैं तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें कुछ दे सकता। तुम्हें नहीं मालूम तुमने मुझे क्या दिया। बड़े बेमुरव्वत हो रतन, इतने दिनों के बाद मिले और मास्टर के गले भी नहीं लगे। कहीं इन बंदूकों से तो नहीं डर गए? मैं बंदूकों से नहीं डरता। ये तो हम जानते हैं, इसीलिए तो मास्टर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है और तुम्हारी कद्र करता है। क्या फैसला किया है तुमने? किस बारे में? कम्मो के बारे में। मैं उसे नहीं मार सकता। कोई बात नहीं, मैंने मारा या तुमने मारा एक ही बात है। दरअसल उस लड़की की मौत तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों लिखी। नहीं मास्टर, उसकी मौत मेरी मौत के बाद लिखी है, पर जब तक मैं जिंदा हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मास्टर, मैं चाहता हूं हवेली में जो नगद रुपया है तुम उसे लेकर चले जाओ। 50,000 रुपये? मुझे 50,00,000 की जरूरत है। मैं रुपए के लालच में उस लड़की का कत्ल नहीं कर सकता जिससे मेरी शादी हो चुकी है। शादी तुमने मेरे हुक्म से की थी। मगर तुम्हारे हुक्म से शादी का यह बंधन टूट नहीं सकता। मास्टर, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, मगर तुम्हारे हुक्म से मुझे दोबारा जिंदगी नहीं मिल सकती। आज तक जिंदगी को मैंने तुम्हारी नजरों से देखा था, मगर कम्मो के प्यार ने मुझे एक नया रूप दिखाया है। और अब मैंने एक ऐसी दुनिया देखी है जिसमें प्यार के लिए लोग जान दे सकते हैं, मगर किसी की जान लेकर फख्र महसूस नहीं करते। याद रखो, एक दिन तुम मेरे पास जरूर वापस आओ। नहीं मास्टर, रतन जो रास्ता एक बार छोड़ देता है फिर उस पर कभी नहीं चलता। तुम अपने मास्टर के साथ जिद कर रहे हो रतन, हार जाओगे। चाची, कमो कहाँ? तुम्हारे पास तो गई थी। मेरे पास? हाँ, वो साधु जो लेने आए थे कह रहे थे तुमने उसे बुलाया है। क्यों जाते तुम उनके साथ?
जाओ मेरे रास्ते से, मैं तो गोली चला दूंगा। Thank you.
मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है।